Hello guys, welcome back to another MPPSC Prelims 2019 test series. This is the test number 2 presented by me, Aditya Dubey. In this lesson, we will look forward to some important questions which are pertaining to MPPSC Prelims test series. And is question mein main discuss karunga total 100 questions. Aur yadi aap is जो टेस्ट पेपर मैंने बनाया है अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव की लिंक दी हुई है, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं या आप इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी गूगल डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब मैं बताना चाहूँगा आपको कि यदि आप पेपर अलग से सॉल्व नहीं करना चाहते हैं और आप इसको ही देख के वीडियो को देख के सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि एक पेन और पेपर ज़रूर ले लीजिए और उसके साथ आप अपने ऑप्शन भी टिक करते जाइए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट और गूगल ने एक कैंपेन लॉन्च किया है ताकि वो पब्लिक टॉयलेट्स को रिव्यू कर सके, तो उस कैंपेन का नाम क्या है? गवर्नमेंट एंड गूगल लॉन्च्ड विच कैंपेन टू रिव्यू पब्लिक टॉयलेट्स? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज लू रिव्यू। याद रखिएगा, लू रिव्यू एक गवर्नमेंट और गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया कैंपेन है जिसके द्वारा पब्लिक टॉयलेट्स को रिव्यू किया जाएगा। ये बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें जो भी टूरिस्ट रहते हैं तो वो गूगल मैप्स में लू जो सेंटर होते हैं, मतलब जो टॉयलेट्स होते हैं, वहाँ पे उनका रिव्यू किया जाएगा कि बताया जाएगा कि वो उनकी फैसिलिटी है वहाँ पे कि नहीं है और उनके अकॉर्डिंग उसमें रेट किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है जो कि करंट अफेयर से डील करता है। अगला क्वेश्चन है कि कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक हाई लेवल कमेटी फॉर्म की है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स उसकी चेयरमैनशिप किसने की है? ओके, तो इसका सही नाम है ऑप्शन ए, दैट इज इंजेति श्रीनिवास। ओके, इंजेति श्रीनिवास एक हाई लेवल कमेटी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर्म की गई है ऑन कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन रिपब्लिक आर्मी किसके द्वारा गठित की गई? इंडियन रिपब्लिक आर्मी वॉज फॉर्म्ड बाय, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज सूर्यसेन। सूर्यसेन जी के द्वारा 1933 में चित्तगोंग में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है कि धार के किले का निर्माण इनमें से किसने किया है? हु लेड द फाउंडेशन ऑफ फोर्ट ऑफ धार? तो धार के किले का निर्माण का श्रेय जाता है MBT, दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1344, दैट इज 1344 में धार के किले की नींव रखी। अगला क्वेश्चन है कि बार्क की स्थापना कब हुई? तो बार्क की स्थापना हुई है 1957 को। 1957 को हुई है बार्क की स्थापना। बार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये याद रखिएगा, ये है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है कि IBM का फुल फॉर्म क्या है? IBM स्टैंड्स फॉर, तो IBM का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इट इज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इज द फुल फॉर्म ऑफ IBM। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 में टोटल कितने सेक्शंस हैं? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट ऑफ 1955 में टोटल 17 सेक्शंस हैं। याद रखिएगा, टोटल 17 सेक्शंस आर देयर इन द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट ऑफ 1955। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 जो है वो इनैक्ट कब हुआ? ओके, तो वो इनैक्ट हुआ था 1st of June 1955 को। याद रखिएगा, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 वॉज इनैक्टेड ऑन 1st of June 1955। अगला क्वेश्चन है कि अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट ऑफ 1955 वॉज रीनेम्ड एज प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट ऑन, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 को पहले अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट के नाम से जाना जाता था, तो इसका नाम कब चेंज किया गया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसका नाम चेंज किया गया था 1976 को। 1976 को अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट ऑफ 1955 वॉज रीनेम्ड एज प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट ऑफ 1955। अगला क्वेश्चन है कि पनिशमेंट फॉर रिफ्यूजिंग टू सेल गुड्स और रेंडम सर्विसेज ऑन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी इज मैंशनड अंडर विच सेक्शन? तो ये दिया गया है अंडर सेक्शन 6। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वहीं अगर बात की जाए अगले क्वेश्चन की कि प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ मैंशनड अंडर विच सेक्शन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी 1989, तो 1989 में प्रोटेक्शन ऑफ गुड फेथ जो दिया गया है वो दिया गया है सेक्शन 22 में। सेक्शन 22 डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1933 में टोटल कितने चैप्टर्स हैं? ओके, कितने अध्याय हैं ह्यूमन राइट एक्ट 1993 में? तो याद रखेगा, टोटल 43 चैप्टर्स हैं ह्यूमन राइट एक्ट ऑफ 1933 में।
अगला क्वेश्चन है कि चैप्टर 4 जो कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 का है वो किससे डील करता है। तो चैप्टर 4 प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 का डील करता है ऑप्शन बी दैट इज प्रोसीजर से। याद रखिएगा प्रोसीजर से डील करता है चैप्टर 4। अगला क्वेश्चन है कि स्मृति स्थल इनमें से किसका मेमोरियल है। ओके स्मृति स्थल इज द मेमोरियल ऑफ, तो स्मृति स्थल मेमोरियल है इंद्र कुमार गुजराल जी का। इंद्र कुमार गुजराल जी का मेमोरियल है स्मृति स्थल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का मेंबर बनने के लिए कम से कम कितनी एज होना आवश्यक है। मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है 21 ईयर्स का एटलीस्ट होना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दैट इज 21 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है कि हम्पी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कब डिक्लेयर किया गया। ओके हम्पी डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑन, तो ये डिक्लेयर की गई थी 1986 में। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ताजमहल का एक और क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है कि ताजमहल को डिक्लेयर कब किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, तो वो किया गया था 1983 में। वहीं अगर बात की जाए आपसे अगर पूछा जाए कि अजंता और एलोरा को कब डिक्लेयर किया गया, तो वो भी 1983 में डिक्लेयर किया गया था। ओके वहीं अगर बात की जाए आपसे 1993 ऑप्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो वो ये हो सकता है कि हुमायूं टॉम्ब और कुतुब मीनार को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब डिक्लेयर किया गया, तो वो किया गया था 1993 को। ओके अगला क्वेश्चन है कि देवी चंद्रगुप्तम के ऑथर कौन है, हु रोट देवी चंद्रगुप्तम, तो देवी चंद्रगुप्तम के ऑथर हैं विशाख दत्त। ओके विशाख दत्त वॉज द ऑथर फॉर देवी चंद्रगुप्तम। अगला क्वेश्चन है कि उस राष्ट्रकूट रूलर का नाम बताइए जिसने कल्चरी किंगडम को इन्वेट किया था जिस समय युवराज वन का शासन था। राष्ट्रकूट रूलर हु इन्वेटेड कल्चरी किंगडम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ युवराज वन, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दैट इज कृष्ण थ्री वॉज द राष्ट्रकूट रूलर हु इन्वेटेड कल्चरी किंगडम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ युवराज वन। अब राष्ट्रकूट के बारे में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस धर्म के अनुयायी थे, मीन्स किस धर्म को वो प्रीच किया करते थे, तो वो थे जैनिज्म। ओके जैन को जैनिज्म को वो प्रीच किया करते थे राष्ट्रकूट। अगला क्वेश्चन है कि पहली जैन काउंसिल कहाँ पे हेल्ड हुई थी, मतलब कहाँ पे आयोजित की गई थी प्रथम जैन काउंसिल, तो वो की गई थी पाटलिपुत्र में। ओके पाटलिपुत्र में फर्स्ट जैन काउंसिल ऑर्गेनाइज की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि फिफ्थ फाइव ईयर प्लान को किसने प्रिपेयर किया था, हु प्रिपेयर्ड फिफ्थ फाइव ईयर प्लान, तो फिफ्थ फाइव ईयर प्लान आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये 1974 से 78 के बीच में था और ये जो प्रिपेयर किया गया था वो डीडी धर जी के द्वारा प्रिपेयर किया गया था। याद रखिएगा हु प्रिपेयर्ड फिफ्थ फाइव ईयर प्लान, तो वो किया गया था डीडी धर जी के द्वारा। वहीं आपसे एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सेकेंड फाइव ईयर प्लान किसने प्रिपेयर किया था, तो वो किया था महानालोबिस जी ने। ओके पीसी महानालोबिस वॉज एन आर्किटेक्ट बिहाइंड सेकेंड फाइव ईयर प्लान। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल प्लानिंग काउंसिल स्टैब्लिश कब हुई थी। याद रखिएगा नेशनल प्लानिंग काउंसिल पूछा गया है, तो इसकी स्थापना हुई थी ऑप्शन सी दैट इज 1965 को। अगला क्वेश्चन है कि 11th फाइव ईयर प्लान का मेन एम क्या था। 11th फाइव ईयर प्लान का जो मेन एम था वो आप याद रखिएगा, वो था कि ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। 11th फाइव ईयर प्लान के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 2007 से 2012 तक चला और इसका जो मेन एम था वो ये था कि ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। अब अगला क्वेश्चन जो है 24th, ये MBBSC में जनरली इस टाइप के क्वेश्चन कंप्यूटर सेगमेंट से ज़रूर पूछे जाते हैं। आपको इसमें सर्च इंजन वेब ब्राउजर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज या ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि एक्सट्रीम मिसलिनियस लेवल के होते हैं। तो मैंने इसी तरह से एक क्वेश्चन ऐड किया है यहाँ पे, वोल्फ्राम अल्फा इनमें से क्या है। तो वोल्फ्राम अल्फा एक सर्च इंजन है, याद रखिएगा वोल्फ्राम अल्फा इज अ सर्च इंजन। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वॉस, दुनिया का पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, तो वो था Cray 1। याद रखिएगा Cray 1 वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है कि अनसॉलिसिटेटेड कॉमर्शियल ईमेल को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है स्पैम। काफी इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड रेबीज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो वर्ल्ड रेबीज डे ऑब्जर्व किया जाता है सितंबर 28 को वर्ल्ड रेबीज डे ऑब्जर्व किया जाता है। वहीं अगर आपसे वर्ल्ड टूरिज्म डे पूछा जाए तो वो है सितंबर 27। ओके अगला क्वेश्चन है कि EVM इलेक्शन कमीशन के द्वारा किस वर्ष इंट्रोड्यूस किए गए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स वर इंट्रोड्यूस बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन द ईयर
तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1999 को, याद रखिएगा 1999 को ईवीएम इंट्रोड्यूस किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1731 को, 1731 को स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि तारिक ए यामिनी के ऑथर इनमें से कौन है, ओके तारिक ए यामिनी ऑथर्ड बाय होम, तो वो थे उदबी जी, ओके उदबी के द्वारा तारिक ए यामिनी ऑथर की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि चोल प्रोविंस के चोला के किंगडम के शासनकाल में चोल प्रोविंसेस को किस नाम से जाना जाता था, मतलब चोल रियासतों को किस नाम से जाना जाता था, तो वो जाना जाता था मंडलम नाम से, याद रखिएगा ऑप्शन बी मंडलम इज द करेक्ट आंसर। वहीं अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज पहली बार यूज किया गया था, तो स्वराज जो पहली बार यूज किया गया था वो 1906 में यूज किया गया था, ओके और इस सेशन की अध्यक्षता भी इंपॉर्टेंट आपसे एग्जाम में जनरली पूछा जा सकता है, तो ये कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी दादाभाई नारोजी जी ने, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ओके। अगला क्वेश्चन है कि भवानी मंदिर इनमें से किसके द्वारा ऑथर की गई, तो भवानी मंदिर जो है वो ऑथर की गई थी अरविंद घोष जी के द्वारा, ओके अरविंद घोष जी वॉज द ऑथर ऑफ भवानी मंदिर। अगला क्वेश्चन है कि स्पीड ऑफ लाइट इज, अब स्पीड ऑफ लाइट आपको किलोमीटर पर सेकंड में बताना है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन किलोमीटर पर सेकंड होती है 300,000 किलोमीटर पर सेकंड, याद रखिएगा 300,000 किलोमीटर पर सेकंड इज द स्पीड ऑफ लाइट। वेल्ड ग्रासलैंड जो रहते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वेल्ड्स नाम के ग्रासलैंड होते हैं वो साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑर्डर नीस लाइन जो रहती है वो जर्मनी और किस देश के साथ बनती है, तो ऑर्डर नीस लाइन जो है जर्मनी और पोलैंड आपस में शेयर करते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी हिंदू ग्रोथ रेट की परिकल्पना किसने दी थी, कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू ग्रोथ रेट वॉज प्रपाउंडेड बाय हुम, तो वो किया गया था राजकृष्ण जी के द्वारा, राजकृष्ण जी वॉज द प्रपाउंडर ऑफ द हिंदू ग्रोथ रेट। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949, याद रखिएगा 1 जनवरी 1949 को आरबीआई नेशनलाइज हुआ था। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, ओके। अगला क्वेश्चन है 39th क्वेश्चन कि फिस्कल डेफिसिट, अब यहाँ पे असर्शन रीजन दिए हुए हैं, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, तो इसका सही आंसर मैं पहले बता दूँ, पहले तो आपको रीड करके बता दूं कि फिस्कल डेफिसिट इज बिगर देन बजट डेफिसिट, ये असर्शन दिया हुआ है। रीजन दिया हुआ है कि फिस्कल डेफिसिट मींस डेब्ट टेकन बाय गवर्नमेंट फ्रॉम आरबीआई एंड अदर लायबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ओके तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर 39th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, तो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी आप जानते हैं ये भोपाल में सिचुएटेड है, इसकी स्थापना हुई थी 1970 में, 1970। अगला क्वेश्चन है कि कबीर अवार्ड की प्राइज मनी कितने रुपए है, तो कबीर अवार्ड की प्राइज मनी है 3 लाख रुपए, ओके। अगला क्वेश्चन है गीत फरोश इनमें से किसकी क्रिएशन है, तो गीत फरोश जो क्रिएशन है वो भवानी प्रसाद मिश्र जी की है, भवानी प्रसाद मिश्र वॉज नोन फॉर गीत फरोश। अगला क्वेश्चन है कि परधोनी इज अ ट्राइबल डांस ऑफ, परधोनी किस ट्राइब किस जनजाति का एक ट्राइबल डांस है, तो परधोनी जो है वो बैगा का है, बैगा, ओके बैगा परधोनी, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो ये 1930 में हुआ था और ये हुआ था बैतूल में, बैतूल में हुआ था घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है कि अमझेरा प्रोविंस जो है वो कहाँ पे संबंधित है, मतलब कहाँ से संबंध है अमझेरा प्रोविंस का, तो उसका संबंध है धार डिस्ट्रिक्ट से, ओके धार डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है अमझेरा प्रोविंस। अगला क्वेश्चन है कि गन फॉर ग्लोरी शूटिंग अकेडमी कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये सिचुएटेड है हमारे जबलपुर में। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टिक पार्क सिचुएटेड कहाँ पे है, तो ये है रायसेन में, ओके प्लास्टिक पार्क इज सिचुएटेड एट रायसेन। अगला क्वेश्चन है कि फार्मर स्कूल किसान विद्यालय कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये सिचुएटेड है जबलपुर में, ओके लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दूधराज जो कि हमारा स्टेट बर्ड है, तो उसको स्टेट बर्ड कब डिक्लेयर किया गया था, मींस व्हेन वाज दूधराज दैट इज पैराडाइज फ्लाई कैचर वाज डिक्लेयर्ड एज द स्टेट बर्ड ऑफ मध्य प्रदेश, तो वो डिक्लेयर किया गया था
25th anniversary of Madhya Pradesh, that is 1st of November 1981. Yaad rakhega, 1st of November 1981 ko Dudhraj, jiska scientific name Paradise Flycatcher hai, usko state bird declare kiya gaya tha hamare Madhya Pradesh ka. Okay? अगला क्वेश्चन है कि रानी अवंती बाई प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी. तो रानी अवंती बाई प्रोजेक्ट की स्थापना हुई थी 1971 को. ओके, और ये कहाँ पे है, ये जबलपुर में सिचुएटेड है. अगला क्वेश्चन है कि संजय नेशनल पार्क इनमें से कहाँ सिचुएटेड है. तो संजय गांधी नेशनल पार्क जो है वो सीधी में सिचुएटेड है. ओके, सीधी में. अगला क्वेश्चन है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट इनमें से किसने दिया था. ओके, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था नॉर्मन मेयर्स ने. नॉर्मन मेयर्स ने दिया था बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का. अगला क्वेश्चन है कि स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन लेयर की जो थिकनेस होती है वो किस यूनिट में मेजर की जाती है. द थिकनेस ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज डॉब्सन यूनिट. ओके, डॉब्सन यूनिट होती है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर की थिकनेस मेजर करने के लिए. ओके, अगला क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस. मतलब इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है. तो ऑप्शन डी, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है. वहीं सल्फर हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड मीथेन आर द ग्रीन हाउस गैस. ओके, अगला क्वेश्चन है कि इकोलॉजी टर्म को क्वाइन किसने किया था. मतलब इकोलॉजी शब्द के जनक कौन है. तो उन्होंने शब्द जो बनाया था ये बनाया था, मतलब इकोलॉजी जो कॉइन किया था 1866 में किया था, और इनका नाम है अर्नेस्ट हैकल. ओके, अर्नेस्ट हैकल, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. अगला क्वेश्चन है कि अर्थ आर किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है. तो अर्थ आर जो रहता है वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, दैट इज WWF के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है. वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि देवमाली एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे सिचुएटेड है. देवमाली एलिफेंट रिजर्व जो सिचुएटेड है वो है अरुणाचल प्रदेश में. याद रखिएगा, देवमाली एलिफेंट रिजर्व इज सिचुएटेड इन अरुणाचल प्रदेश. अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ये फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स होते हैं. अब ये फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आप याद रखिएगा, आपसे दूसरे टाइप में भी पूछा जा सकता है कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन में इनमें से कौन से मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं. तो जो होते हैं वो याद रखिएगा, हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन. अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनमें से ओजोन डिप्लीशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है. मींस विच अमंग अबाउट प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन ओजोन डिप्लीशन. तो वो है क्लोरीन. ऑप्शन सी, क्लोरीन इज द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के पहले ग्रीन हाउस गैस ऑब्जर्विंग सैटेलाइट जो कि जापान के द्वारा 2009 में लॉन्च किया गया था उसका नाम क्या था. तो वो था इबुकी, ऑप्शन ए. अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा इंडिया बायोस्फीयर रिजर्व करेक्टली मैच नहीं है. ओके, तो आप जानते हैं कि नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, देहांग देबांग बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है. नीलगिरी के बारे में अगर बताना चाहूँगा तो नीलगिरी जो है वो सिर्फ तमिलनाडु अकेले में सिचुएटेड नहीं है, तमिलनाडु केरल और कर्नाटक की बॉर्डर में शेयर करता है ये. ओके, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए. अब वहीं अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 61 की, तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा टर्म का संबंध फिजिक्स से नहीं है. तो ये है ऑप्शन डी, स्टॉक वैल्यू, जो कि इकोनॉमी से डील करता है. अगला क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर साइज किस यूनिट से एक्सप्रेस की जाती है. न्यूक्लियर साइजेस आर एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट नेम्ड. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज फर्मी. ओके, अगला क्वेश्चन है कि स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बिकॉज. मतलब स्टार जो रहते हैं वो ईस्ट से वेस्ट मूव होते हुए नजर आते हैं, वो क्यों होते हैं. तो वो इसका रीजन ये है ऑप्शन बी, दैट इज अर्थ जो है हमारा वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होता है. ओके, अपनी एक्सिस से. तो इसलिए हमारे जो स्टार्स होते हैं, मतलब जो स्टार्स दिखते हैं वो हमें वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हुए नजर आते हैं. ओके, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है. तो स्केलर क्वांटिटी है प्रेशर. ओके, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है. अगला क्वेश्चन है 65th, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ. मतलब न्यूक्लियस जो रहता है उसमें क्या क्या होता है. तो न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ओके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसका सही आंसर है. आप ऑल दी अबव नहीं लगाइएगा. ओके, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस. अगला क्वेश्चन है कि द ऑक्टेन नंबर ऑफ जीरो इज असाइंड टू. इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज एन हेप्टेन. ओके, एन हेप्टेन, द ऑक्टेन नंबर ऑफ जीरो इज असाइंड टू एन हेप्टेन. अगला क्वेश्चन है कि द मोस्ट अबंडेंट रेयर गैस इन द एटमोस्फेयर इज. ओके,
तो अबंडेंट रेयर गैस जो है हमारे एटमॉस्फेयर में वो है ऑप्शन सी, दैट इज आर्गन। ओके, आर्गन है मोस्ट अबंडेंट रेयर गैस हमारे एटमॉस्फेयर में। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी गैस वनस्पति को वेजिटेबल ऑयल से निकालने के लिए यूज की जाती है। द गैस यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वनस्पति फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, तो वो है हमारी हाइड्रोजन, ऑप्शन बी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि जीन्स आर मेड अप ऑफ वॉट। तो जीन्स जो बने होते हैं वो पॉली न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। ओके, ऑप्शन ए, जीन्स आर मेड अप ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड्स। अगला क्वेश्चन है कि क्रोमोजोम सेट इन जायगोट इज, तो क्रोमोजोम का सेट जो होता है वो 2N होता है। ओके, जायगोट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 71, पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया की कितनी है सेंसस 2011 के अनुसार। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो इंडिया की है वो है 382, याद रखिएगा ऑप्शन बी, 382 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज लोएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया एज पर सेंसस 2011, सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पे है, तो वो है सिक्किम में। वहीं अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन अगर पॉपुलेशन वाइज पूछा जाए तो वो है सिक्किम। अगला क्वेश्चन है कि विच सिटी हैज मैक्सिमम पॉपुलेशन इन इंडिया एज पर सेंसस 2011, तो वो है मुंबई। ओके, मुंबई में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है सेंसस 2011 के अनुसार। अब अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 74th क्वेश्चन है कि IMF का जो वोटिंग राइट होता है वो किस बेसिस पे डिटरमाइन होता है। वोटिंग राइट्स इन द IMF, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, तो ये डिटरमाइन होता है साइज ऑफ द इकोनॉमी। ओके, साइज ऑफ द इकोनॉमी के बेसिस में वोटिंग राइट IMF का डिटरमाइन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स आर ऑल्सो नोन एज, ओके, SDR जो रहता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, इसको जाना जाता है गोल्ड के नाम से। ओके, अगला क्वेश्चन है कि गुप्तास के द्वारा जो सिल्वर कॉइन इश्यूज किए गए थे उनको किस नाम से जाना जाता था, तो वो जाना जाता था रुपये का। ओके, रुपये का, सिल्वर कॉइन इशूड बाय द गुप्ता वर कॉल्ड एज रुपये का। अगला क्वेश्चन है कि ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट जो है वो किस नदी से संबंधित है, तो ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट जो है वो खंडवा में है और वो डील करता है नर्मदा रिवर से। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमें गैसेस दी हुई हैं एटमॉस्फेयर में जो होती हैं, हमको उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब उनके वॉल्यूम के अनुसार उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। तो यहाँ हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन दी हुई है। तो मैं बताना चाहूंगा आपको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, नाइट्रोजन आप जानते हैं सबसे ज्यादा एबंडेंट पाई जाती है, 78% हमारे एटमोसफेयर में पाई जाती है। तो इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से देख सकते हैं आप, इजिली आप देखेंगे कि ऑप्शन बी 3 से शुरू होता है और बाकी ऑप्शन नहीं होते हैं, तो आपको दूसरे ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन वी हैव आर्गन एंड देन वी हैव हीलियम। अगला क्वेश्चन है कि विजय शर्मा, जिनको रिसेंटली द्रोणाचार्य अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया था, तो उनका संबंध किस खेल से है। विजय शर्मा वॉज रिसेंटली कॉन्फर्ड द्रोणाचार्य अवार्ड 2018, इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, तो इनका संबंध है वेट लिफ्टिंग से। ओके, विजय शर्मा इज एसोसिएटेड विद वेट लिफ्टिंग। अगला क्वेश्चन है कि सांगपो ओरिजिनेट कहाँ से होती है। अब सांगपो जो है इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, और सांगपो ब्रह्मपुत्र को एक्चुअली में जो तिब्बत है वहां पे उसको सांगपो कहा जाता है, तो वो ओरिजिनेट होती है तिब्बत से, उनकी जो कि चाइना में सिचुएटेड है। ओके, अब अगला क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा, जो क्वेश्चन नंबर है 81, कि हमें रिवर का जो ऑर्डर दिया गया है इसमें उसको नॉर्थ से साउथ जमाना है। वॉट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिवर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज इंडस, झेलम, सॉरी इंडस, चेनाब, झेलम, रवि एंड ब्यास। ओके, इंडस, चेनाब, चेनाब, झेलम, रवि, ब्यास, तो ये नॉर्थ से साउथ इसका अरेंजमेंट है। ओके, मतलब ऊपर से नीचे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 81 दो बार रिपीट हो गया है, तो मतलब जो दूसरा, मतलब दो बार प्रिंट हो गया है, और तो इसलिए इसको दूसरे वाले को डिलीट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि थोड़ा सा एनालिटिकल मैप बेस्ड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज मैक्सिमम नॉर्दर्न लैटिट्यूड, मतलब मैक्सिमम नॉर्दर्न लैटिट्यूड में इनमें से कौन सी सिटी लोकेटेड है, तो वो है धनबाद। ओके, ऑप्शन बी, धनबाद इज हैज द मैक्सिमम नॉर्दर्न लैटिट्यूड अमंगस्ट ऑल। अगला क्वेश्चन है कि जापान में जो आइलैंड्स हमें दिए हुए हैं यहाँ के, तो नॉर्थ साउथ उनको अरेंज करना है। ओके, नॉर्थ साउथ अरेंज करना है इन आइलैंड्स को जो कि जापानीज आइलैंड है, तो इसका सही आंसर है, मैं बताना चाहूंगा कि सबसे नॉर्थ में जो आता है, मींस सबसे ऊपर रहता है, वो है होकाइडो, देन उसके नीचे होता है होन्शु, देन होता है शिकोकू और होता है क्योशु। ओके, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्योशु, ये नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट है जापानीज आइलैंड का।
अगला क्वेश्चन है कि फुट फॉल्ट का संबंध इनमें से किस खेल से है। तो फुट फॉल्ट एक शब्दावली है, मीन्स एक टर्मिनोलॉजी है जिसका संबंध है स्क्वैश से। याद रखिएगा, फुट फॉल्ट इज एसोसिएटेड विद स्क्वैश। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस फुटबॉल टीम ने सर्वाधिक फीफा वर्ल्ड कप जीते हैं। तो वो जीते हैं ब्राजील ने। ओके, अगला क्वेश्चन है कि अल्जीरिया की करेंसी किस नाम से जानी जाती है। तो वो है दिनार। अगला क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट GST वॉज इंट्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा GST इंट्रोड्यूस किया गया। अब याद रखिएगा, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है एक्ट और एक होता है बिल। ओके, तो जो एक्ट की अगर बात की जाए तो उसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज 101। वहीं अगर आपसे बिल पूछा जाए, मतलब अधिनियम अगर पूछा जाए, तो वो होगा 101। लेकिन अगर आपको विधेयक पूछा जाए तो वो होगा उसका आंसर 122। याद रखिएगा, एक्ट और बिल में कंफ्यूज मत होइएगा। एक्ट होगा 101, लेकिन अगर आपको इसकी जगह बिल लिखा होगा तो 122 लगाएंगे आप। अगला क्वेश्चन है कि GST काउंसिल के चेयरमैन इनमें से कौन होते हैं। तो GST काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, और वर्तमान में अभी अरुण जेटली जी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो चेयरमैन हैं GST काउंसिल के। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड स्पैरो डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड स्पैरो डे सेलिब्रेट किया जाता है 20th of March को। ओके, नेशनल सिविल सर्विसेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो वो किया जाता है 21st of April को। 21st of April को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल सिविल सर्विसेज डे। भारत के पहले स्पोर्ट्स पर्सन का नाम बताइए जिन्होंने पद्म विभूषण अवार्ड सम्मानित हुआ, जिनको पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। तो हु वॉज द इंडिया फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव पद्म विभूषण अवार्ड। तो वो है विश्वनाथन आनंद जी, जो कि इंटरनेशनल चेस ग्रैंड मास्टर हैं, और ये पहले स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी 1991 में मिला था। अगला क्वेश्चन है कि ड्रग की स्टडी और उसके एक्शंस को क्या कहा जाता है। स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर एक्शन इज नोन एज, तो वो जाना जाता है फार्माकोलॉजी से। ओके, फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर एक्शन। अगला क्वेश्चन है कि लेजर का आविष्कार इनमें से किसने किया। तो वो किया है TH मेमन ने। ओके, TH मेमन ने किया है लेजर का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है कि K2 गॉडविन ऑस्टिन की हाइट इनमें से कितनी है, मीटर्स में बतानी है। तो वो है 8611 8611 इज मीटर इज द हाइट ऑफ K2, दैट इज गॉडविन ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन है कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड सबसे पहली बार कब प्रेजेंट किए गए थे। तो वो किए गए थे 1969 को। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो प्रेजेंट किए गए थे पहली बार 1969 को। ओके, अगला क्वेश्चन है 96 कि इंडियन सॉवरेनिटी का सोर्स लाए कहाँ पे करता है। द सोर्स ऑफ इंडिया सॉवरेनिटी लाइज इन, तो ये लाए करता है प्रीएम्बल में। ओके, 96 प्रीएम्बल में लाए करता है। अगला क्वेश्चन है 97 कि स्वराज जो है वो नेशनल डिमांड कब, मतलब कब मांगी गई थी, मतलब स्वराज एज नेशनल डिमांड वॉज फर्स्ट मेड बाय। तो वो की गई थी दादाभाई नारोजी जी के द्वारा। ओके, दादाभाई नारोजी जी की जो जी के द्वारा 1906 में मांग की गई थी इसकी। और अगला क्वेश्चन है कि अलीपुर बॉम्ब षड्यंत्र में इनमें से किसका संबंध है। अलीपुर बॉम्ब केस में संबंधित हैं अरविंदो घोष जी। ओके, अरविंदो घोष जी का संबंध है अलीपुर बॉम्ब केस से। अगला क्वेश्चन है कि टॉम्ब ऑफ बाबर इज लोकेटेड एट, मतलब बाबर का मकबरा कहाँ पे सिचुएटेड है। तो वो है काबुल में, जो कि सिचुएटेड है अफगानिस्तान में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगला क्वेश्चन है कि हजरत ए आला की उपाधि से अपने आप को किसने विभूषित किया था। हु अज्यूम द टाइटल ऑफ हजरत ए आला, तो वो है शेर शाह सूरी। ओके, ऑप्शन बी शेर शाह सूरी इज द करेक्ट आंसर। तो मैं आपका थैंक यू करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके कारण मेरे 9000 प्लस सब्सक्राइबर हुए, और बहुत ही बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इतने कम समय में इतना अच्छा सपोर्ट किया। और यदि आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है और आप इस चैनल में नए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं इसको। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो PDF है इसकी, मीन्स पेपर 2 जो मैंने अभी कंडक्ट किया है, टेस्ट पेपर 2, तो इसकी आप डाउनलोड कर सकते हैं। या अगर आपको कोई प्रॉब्लम जाती है तो आप अपने टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप यू आर डूइंग वेल। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। गुड लक। बाय बाय।